ये मार्जिन तकरीबन 70% 80% पक चुका है। तकरीबन 10 से 12 मिनट हो गए हैं ये दोनों कबाब मैंने को डाले हुए। तो ये हैं नाज़रीन हमारे पेशावरी चपली कबाब, आप देख सकते हैं कितने ही खूबसूरत और मज़ेदार ये नज़र आ रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, स्ट्रीट फूड सीक्रेट्स में खुश आमदीद। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज आपके लिए एक स्पेशल डिश लेकर आए हैं, पेशावरी चपली कबाब। वीडियो शुरू करने से पहले वो व्यूअर्स जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी आने वाली नेक्स्ट वीडियोज़ जो हैं वो आपको मिलती रहें। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। तो नाज़रीन, चपली कबाब बनाने के लिए हमने 1 किलो कीमा ले लिया है, इसके अलावा 6 ग्रीन चिली ली हैं, उनको बिल्कुल बारीक कूट लिया है। उसके साथ टमाटो लिए हैं, फाइनली चॉप कर लिया है इन्हें। टमाटर के जो बीज थे उनको निकाल दिया हमने, और इसी तरह टमाटर जो है उनको बारीक से काट लिया है। ऑनियंस जो है उनको, एक ऑनियन लिया है उसको फाइनली चॉप कर लिया है। इसके अलावा सूखे मसालों में नमक लिया है हमने, हसबे जायका, थोड़ा सा सूखा धनिया, हल्दी, रेड चिली पाउडर 1/2 टीस्पून लिए हैं। इसके अलावा थोड़ी सी अजवाइन और 1 पिंच जो है कलवंजी ली है। तो नाज़रीन, ये जो सब सूखे मसाले हैं इनको हम कीमे में शामिल कर लेते हैं। इसके अलावा जो ग्रीन चिली है, बारीक कूटने के बाद ग्रीन चिली को भी इसमें शामिल कर लिया। तो नाज़रीन, चपली कबाब जो हैं, स्पेशल चपली कबाब जो हैं, उनको बनाने के लिए हमने लेमन ले लिया नाज़रीन हाफ। इसका रस जो है इसमें निकाल लेंगे। कीमा जो है उसमें बिल्कुल पानी नहीं होना चाहिए, बिल्कुल सूखा होना चाहिए, इसलिए आपने कीमे को बाद में नहीं वॉश करना। गोश्त जिसका कीमा करवाना है उसको वॉश करके फिर इसका कीमा करवाना है आपने। टमाटर और प्याज जो है इनका इस्तेमाल हमने बाद में करना है, वो मैं आगे चलकर आपको बताऊंगा। तो नाज़रीन, कीमा जो है इसमें मसाले शामिल करने के बाद इसे मिक्स करेंगे। तो नाज़रीन, मसाला अच्छी तरह मिक्स करने के बाद थोड़ा सा गरम मसाला अब अपनी इसमें ऐड करना है। इसके अलावा 5 से 6 जो हैं लहसुन के पीसीज लिए हैं, और इसके अलावा इतना सा अदरक लिया है। इसको हम अच्छी तरह से कूट लेंगे। अब कूटने के बाद जो है इसको इसमें शामिल करेंगे। तो नाज़रीन, लहसुन, अदरक और गरम मसाला अब हमने डाला है इसमें। फिर डालने के बाद इसको फिर एक बार अच्छी तरह से मिक्स करें। एक चीज़ को आपने बहुत ध्यान में रखना है, कीमा जो है इसको जितना ज़्यादा आप मस लेंगे, जितना ज़्यादा आप भून लेंगे, उतना ज़्यादा ही आपको टेस्ट देगा। तो मसाले जो हमको आपको खूब ध्यान रखना है, छोटे क्वान्टिटी आपको बताई गई है, और जिस तरह बताई गई है तकरीबन 1 घंटे तक इसको मैरिनेट होने के लिए रख देंगे। मसाला जो है इसके अंदर अच्छी तरह से रच जाएगा। तकरीबन 1 घंटा आपने इसको दे लेना है इसी तरह से। तो नाज़रीन, कीमा जब तक हमारा मैरिनेट हो रहा है, अपना रायता तैयार कर लेते हैं इसके लिए। इसके लिए रायता जो हम बना रहे हैं, तकरीबन 1 पाव दही लिया, 1 से 1.5 पाव दही ले लिया हमने। इसमें थोड़ा सा ज़ीरा शामिल करें, और ब्लैक पेपर शामिल करें तकरीबन 1/2 टीस्पून। नमक डाल लेंगे हसबे जायका, तो रायते में हसबे जायका नमक हमने ले लिया। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं।
तो ये नाज़रीन रायता जो है हमारा तैयार हो गया है, इसको हम फ्रिज में रख लेते हैं। तो नाज़रीन कीमा अच्छी तरह से मैरिनेट हो चुका है, टोमेटोज और अनियंस जो हैं फाइनली चॉप्ड करके हमने रख लिए थे। इसके अलावा थोड़े से टोमेटो स्लाइसेस लिए हैं जिनका यूज़ हम कबाब जो हैं चपली कबाब उनको बनाते हुए करेंगे। तो बिस्मिल्लाह करते हैं। ऑयल जो है हमने तवे पे डाल लिया। ऑयल के गर्म होने का वेट करेंगे और साथ ही अपना कबाब जो है उसको बनाना शुरू करते हैं। तो नाज़रीन ऑयल हमारा गर्म हो चुका है, कीमा भी अच्छी तरह से मैरिनेट हो गया है। तकरीबन इतनी क्वांटिटी में आपने कीमा लेना है जो नॉर्मली एक हाथ में आ जाए। और अब इसके साथ प्याज को शामिल करें, थोड़ा सा टमाटो लें। इस तरह से आप इसको प्लेट में कर सकते हैं क्योंकि हाथ पे जो है आपके लिए बनाना इसको मुश्किल होगा। प्लेट पे करके इस तरह से अपने हाथ में डाल लें इस तरह, और अब इसे तवे पे डाल देंगे। जो इंस्ट्रक्शंस आपको दी गई हैं उन चीज़ों का आपने बड़े ही अच्छे से ध्यान रखना है। इस तरह से इसको पलट लेंगे। अपनी आग जो है वो बिल्कुल अच्छी सी कर दें। इसी तरह से कीमा लें, थोड़ा सा उसको बांध लें। बांधने के बाद प्लेट में रखें और प्रेस करना शुरू कर दें। हाफ प्रेस करने के बाद थोड़ा सा ऑनियन और टोमेटो डालें, दोबारा से प्रेस करें। कोशिश करें कि कबाब जो है आपके वो ज़रा पतले हों, अगर मोटा रखेंगे तो वो प्रॉपरली पकेगा नहीं। चपली कबाब बनाने के लिए ये बड़ा ही आसान जो है तरीका आपको मैं बता रहा हूँ। इस तरह से एक प्लेट में रख के आप इसको बना सकते हैं बड़े ही इजी तरीके से, ये देखें। और अब इसको इस तरह से करके आहिस्ता आहिस्ता उतार लेंगे। ये देखें, और अब इसको तवे पे डाल देते हैं। ये देखें अभी पहला जो कबाब है उसकी देख लेते हैं क्या कंडीशन है। ये देखें, हल्की सी आग पे इसको पकने देना क्योंकि बीफ कीमा जो है जाहिर है आपको पता है चकली कबाब बीफ कीमा से बनता है, और कीमा जो है उसको पकने में अच्छा खासा टाइम चाहिए होता है। इसलिए कीमा जो है उसकी मैरिनेशन के दौरान जो है हमने लेमन इसमें ऐड किया था क्योंकि सिट्रस जो होता है वो गोश्त को गलाने में बड़ी मदद देता है। हल्का हल्का प्रेस करते रहेंगे। तकरीबन 3 से 4 मिनट हल्की आंच पे एक साइड से पकाएं।
उसके बाद ये थोड़ा सा थिक हो जाएगा, तो थोड़ा सा थिक होने के बाद इसकी साइड चेंज करेंगे। उससे पहले आपने साइड चेंज करने की कोशिश नहीं करनी वरना ये टूट जाएगा। इसकी साइड आप चेंज कर लेते हैं। मसाला जो है उसको साइड पे करते जाएं जो बाहर आ गया। तो ये थर्ड पीस ले लिया हमने, तकरीबन मेरे हाथ से भी ज़्यादा इसकी लंबाई है, क्योंकि ये श्रिंक होगा तो श्रिंक होने के बाद भी इसका बड़ा रहना चाहिए, फिर ये चपली कबाब होगा, तो फिर भी आप इसे चपली कबाब कह सकते हैं। इस तरह से इसको प्रेस करते रहें, क्योंकि ये श्रिंक हो रहा होता है, आप इस तरह से प्रेस करेंगे। मसाला अगर जल रहा है तो उसको साइड पे करते रहें इस तरह से। इस तरह से प्रेस करें, टूटने नहीं देना और ज़्यादा मोटा नहीं होने देना। तो ये हैं नाज़रीन हमारे पेशावरी चपली कबाब, आप देख सकते हैं कितने ही खूबसूरत और मज़ेदार ये नज़र आ रहे हैं। बड़ी सिंपल रेसिपी आपको बताई गई है, बिल्कुल इसी तरीके से, कोई भी चीज़ आपने मिस नहीं करनी, जो तरीका आपको बताया गया है उसी तरीके से आपने बनाना है। इसको ईद आई हुई है, इसको एक बार ज़रूर ट्राई करें, इंशाल्लाह आप बहुत इंजॉय करेंगे। तो नाज़रीन ये थी आज की हमारी रेसिपी, वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।